नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। बहन कुमारी मायावती ने 2019 पे समक्ष बहुजन समाज परिवार के लोगों को नव वर्ष की मंगल में कामना करते हुए सभी बहुजन समाज के लोगों को एक शानदार मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि लखनऊ से बसपा सुप्रीमो मायावती के मध्य प्रदेश व राजस्थान के कांग्रेस सरकारों से 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों का दर्ज मुकदमा तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही में चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसा नहीं होता तो वह इन राज्यों से बाहर से दे रहे पार्टी के समर्थन वापस लेने पर विचार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में यूपी सहित मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी राजनीति देश से लोगों को फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ऐसे सभी मामलों को तुरंत वापस ले। साथ ही में मायावती ने कहा कि चुनावी वर्ष में लोगों को तय करना होगा कि 2014 की गलती नहीं करें। और बहन कुमारी मायावती ने ये भी बताया कि 2019 का इलेक्शन है और उस पे सभी बहुजन समाज के लोग अपने हाथ मजबूत करें और जो छोटी छोटी कई सारी पार्टियां बनी हुई हैं उन पार्टियों की तरफ ना ध्यान दें और अपनी पार्टी BSP पार्टी को हाथ मजबूत करें। ये थी लखनऊ से SM न्यूज की रिपोर्ट।